प्रदेश को विकसित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन जिले के तराना के वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद आजाद खान द्वारा लाखों रुपए का विकास कार्य किया गया है, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत मदारबड़ मस्जिद के पीछे सीसी चौक निर्माण, शौचालय निर्माण और नवीन बोर खनन सहित लाखों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण पल्होत्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं पार्षद आजाद खान द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत हार पहनाकर और साफा बांधकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पार्षद के काम की सराहना की। आज आयोजन ये था कि जो निर्माण कार्य मैंने कराए हैं वार्ड में, मेरे 5 साल पूर्व होने को आए हैं, जो निर्माण कार्य मैंने वार्ड में कराए हैं, जो लोगों के हित में काम किए हैं, उसको लेके आज मैंने पूरे नगर के वरिष्ठ लोगों को और हमारी पूरी परिषद को बुला के यहाँ सम्मानित किया है, क्योंकि इन लोगों का बहुत मेरे साथ सहयोग लिया। इन लोगों के सहयोग के बिना कोई काम नहीं कर पाता मैं, जैसे कि यार ये सीसी रोड, शौचालय निर्माण, 120 आवास के करीब करवाए मैंने, 127 सार्वजनिक शौचालय जो घरों घर स्वच्छता अभियान के तहत चले थे वो बनवाए, और भी नगर वार्ड में मेरे हमारे काम हुए मंडल या अध्यक्ष जी की तरफ से उमेश जी शर्मा, इनके सहयोग से पूरा काम मेरे वार्ड में हुआ। मेरा ये कहना है इस मामले में कि नगर के जितने भी विकास है, वार्ड नंबर 1 को छोड़ने पर भी सारे नगर के जो विकास कार्य हुए हैं पूरी परिषद के माध्यम से हुए हैं। हम लोगों का एक उदाहरण था कि जो कार्य प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए वो किसी वार्ड में हो, जहाँ प्राथमिक समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए सब 15 पार्षदों में, एक भी पार्षद ने ये नहीं कहा कि मेरे वार्ड में हो, पर सब जो जिनाइन प्रॉब्लम है सभी वार्डों के विकास में सब लोगों ने बहुत योगदान दिया है और सभी लोगों ने परिवार की तरह इस नगर परिषद में प्रयास किया। JSR टाइम्स के लिए तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट।